हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेमिनल एंड वेसिनल कंपाउंड्स। व्हाट इज जेमिनल एंड वेसिनल कंपाउंड्स। वेसिनल कंपाउंड्स डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेमिनल एंड वेसिनल कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसमें से कि व्हाट इज जेमिनल कंपाउंड्स, व्हाट इज़ जेमिनल कंपाउंड्स, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ जेमिनल कंपाउंड, तो जेमिनल कंपाउंड्स इन शॉर्ट वी कैन राइट इट जेम कंपाउंड्स। इफ वी टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपाउंड, देन वी कैन राइट हेयर इफ टू सेम एलिमेंट्स, इफ टू सेम ग्रुप्स अटैच विथ ए कार्बन एटम, then it is known as geminal compounds. If two OH group attached with same carbon atom, then it is known as geminal compounds. If two alkoxy or ether group attached with same carbon atom, then it is known as geminal compounds. If we write the name of this compound, then we can write here gem dihalides. इसको हम सिंपली डियर स्टूडेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ टू सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच विथ सेम कार्बन एटम, देन इट नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड्स। इफ टू सिमिलर ऑल ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन एटम, देन इट नोन एज जेमिनल डाईऑल, इन शॉर्ट जेम डाईऑल राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ हम देखें, इफ़ टू एल्कोक्सी ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन एटम, देन इट नोन एज जेम डाई एल्कोक्सी से हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो हुए जेमिनल डाईहैलाइड्स। इन सिंपल यू कैन से दैट इफ टू सिमिलर ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन पर जब दोनों ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसे हम जेमिनल कंपाउंड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेसिनल डाईहैलाइड्स की, अगर हम वेसिनल कंपाउंड्स की बात करें या वेसिनल डाईहैलाइड्स की बात करें या वेसिनल कंपाउंड्स की बात करें, तो वेसिनल कंपाउंड्स वो हो सकते हैं जिसमें सेम ग्रुप जो है नियरेस्ट कार्बन पर या नियरेस्ट एटम पर अटैच होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो अगर इसकी नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, तो इसमें देखिए 2, 3 ये नज़दीक के दोनों कार्बन हैं। अगर यहाँ से नियरेस्ट यानी नियर बाई कार्बन पर, नियर बाय एलिमेंट पर, नियर बाय एटम पर अगर कोई ग्रुप अटैच होते हैं, तो उन्हें हम दूसरे यानी इन्हें हम एक दूसरे का क्या कह सकते हैं, इन्हें हम एक दूसरे का वेसिनल डाईहैलाइड्स कह सकते हैं। और अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट एन एग्जांपल, अगर हम ओएच में अगर हम कोई एग्जांपल लें, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस टाइप से राइट करें दैट इज़ ओएच और नेक्स्ट दैट इज़ ओएच, तो ये दोनों जो ओएच हैं डियर स्टूडेंट, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के वेसिनल पोजीशन पे। किस पोजीशन पे डियर स्टूडेंट, हम वेसिनल को पड़ोसी कह सकते हैं। अगर ये दोनों ये पड़ोसी कार्बन पर है, तो इसे हम वेसिनल डाईऑल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेसिनल, इन शॉर्ट इट इज़ राइट है विस डाईऑल। अगर नेक्स्ट की बात करें एल्कोक्सी ग्रुप की, दैट इज़ ईथर की, तो अगर हम इसकी बात करें, तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ओआर लगा सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर भी हम ओआर लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इसे हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट दैट इज विस डाई एल्कोक्सी ग्रुप, इसे हम विस डाई एल्कोक्सी ग्रुप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम ट्रिक की बात करें कि हाउ कैन बी माइन इट, तो हम इसे हम सिंपल से ये कह सकते हैं, अगर हम जी फॉर जे कंसिडर करें और जे फॉर जस्ट लिखें, हम कह सकते हैं जब सेम कार्बन पर दोनों सिमिलर ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जी फॉर जस्ट, जस्ट फॉर सेम कार्बन। अगर सेम कार्बन दोनों एलिमेंट अटैच है या दोनों ग्रुप अटैच है, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि दैट इज जेम डाईहैलाइड्स या जेम कंपाउंड से कह सकते हैं। और वी फॉर वाइड लिख सकते हैं, अगर वाइड मतलब नियर अबाउट या लगभग के, और इसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये लगभग के या बगल बगल या नियर बाई या नियरेस्ट कार्बन पर अगर दो ग्रुप अटैच होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का वेसिनल डाईहैलाइड्स या वेसिनल कंपाउंड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें आशा है, आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा, हम आपके लिए फिर से प्रयास करेंगे। ओके, गुड नाइट।